समंदर में टाइटन पनडुब्बी के हादसे के बाद ओशन गेट कंपनी ने एक बार फिर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए विज्ञापन जारी किया। कंपनी ने 2024 में एक बार फिर समंदर के अंदर पर्यटकों को ले जाने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले ही इस कंपनी की पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन समंदर की गहराई में धमाका होने की वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए थे। लेकिन इस हादसे के बावजूद ओशन गेट कंपनी एक बार फिर पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए वहां भेजने वाली है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए जारी विज्ञापन के मुताबिक कंपनी जून 2024 में दो मिशन प्लान कर रही है, जिसमें 12 जून से 20 जून 2024 के बीच पहली पनडुब्बी और 21 जून से 29 जून के बीच दूसरी पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले अटलांटिक महासागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाला गया, जिसकी जाँच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया। समंदर में टाइटन पनडुब्बी के हादसे के बाद ओशन गेट कंपनी ने एक बार फिर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए विज्ञापन जारी किया। कंपनी ने 2024 में एक बार फिर समंदर के अंदर पर्यटकों को ले जाने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले ही इस कंपनी की पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन समंदर की गहराई में धमाका होने की वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए थे। लेकिन इस हादसे के बावजूद ओशन गेट कंपनी एक बार फिर पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए वहां भेजने वाली है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए जारी विज्ञापन के मुताबिक कंपनी जून 2024 में दो मिशन प्लान कर रही है, जिसमें 12 जून से 20 जून 2024 के बीच पहली पनडुब्बी और 21 जून से 29 जून के बीच दूसरी पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले अटलांटिक महासागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाला गया, जिसकी जाँच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया। समंदर में टाइटन पनडुब्बी के हादसे के बाद ओशन गेट कंपनी ने एक बार फिर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए विज्ञापन जारी किया। कंपनी ने 2024 में एक बार फिर समंदर के अंदर पर्यटकों को ले जाने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले ही इस कंपनी की पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन समंदर की गहराई में धमाका होने की वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए थे। लेकिन इस हादसे के बावजूद ओशन गेट कंपनी एक बार फिर पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए वहां भेजने वाली है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए जारी विज्ञापन के मुताबिक कंपनी जून 2024 में दो मिशन प्लान कर रही है, जिसमें 12 जून से 20 जून 2024 के बीच पहली पनडुब्बी और 21 जून से 29 जून के बीच दूसरी पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले अटलांटिक महासागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाला गया, जिसकी जाँच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया। समंदर में टाइटन पनडुब्बी के हादसे के बाद ओशन गेट कंपनी ने एक बार फिर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए विज्ञापन जारी किया। कंपनी ने 2024 में एक बार फिर समंदर के अंदर पर्यटकों को ले जाने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले ही इस कंपनी की पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन समंदर की गहराई में धमाका होने की वजह से उसमें सवार सभी 5 लोग मारे गए थे। लेकिन इस हादसे के बावजूद ओशन गेट कंपनी एक बार फिर पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए वहां भेजने वाली है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए जारी विज्ञापन के मुताबिक कंपनी जून 2024 में दो मिशन प्लान कर रही है, जिसमें 12 जून से 20 जून 2024 के बीच पहली पनडुब्बी और 21 जून से 29 जून के बीच दूसरी पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले अटलांटिक महासागर में डूबी टाइटन पनडुब्बी का मलबा पानी से बाहर निकाला गया, जिसकी जाँच के बाद एक्सपर्ट ने कई खामियों का दावा किया।